हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी ट्वीन प्रेगनेंसी के जो है सेवन मंथ में अपने बेबी का वेट कैसे गेन किया था। ठीक है, और मैं आपको सारी बात बताऊंगी कि मैंने क्या किन किन बातों का ध्यान रखा और क्या क्या चीजें खाई, जिससे मेरे बेबी का जो है एक महीने के अंदर ही वेट अच्छा खासा गेन हो गया था। ठीक है, और अगर आपने मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती थी कि सबसे पहले सुबह उठने के बाद में मैं सबसे पहले एक गिलास दूध लेती थी। ठीक है, वो भी बड़ा वाला गिलास हो, और उसमें एक चम्मच प्रोटीन एक्स पाउडर भर के डालती थी। ठीक है, प्रोटीन एक्स पाउडर इसलिए लेती थी क्योंकि प्रोटीन एक्स पाउडर से बच्चे का वेट भी गेन होता है और प्लस वो फायदा भी बहुत करता है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करती थी फ्रेंड्स कि दो दूध पीने के बाद में लगभग आधा घंटे के बाद में मैं जो है दो सेब लेती थी, दो सेब। यस, और आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है तो आप एक ही सेब लें, और अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आप दो सेब सुबह जरूर लें। ठीक है, और खाली पेट लें, मतलब दूध पीने के बाद में, खाना वगैरह खाने से पहले ही लें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सेब जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है, और क्योंकि आपको पता है सेब में कैल्शियम भी अच्छा होता है और प्लस आयरन भी होता है। ठीक है, तो मैं सुबह जो है उसके बाद में दो सेब लेती थी, दो सेब खाने के बाद में पेट भर जाता था। उसके बाद में जो आप नाश्ता करते हैं, जो भी आप घर पे बनाते हैं, आप उसके बाद में नाश्ता ले लीजिए, नाश्ता पेट भर के कर लीजिए। ठीक है, नाश्ता करने के बाद में आपको क्या करना है, लगभग 1-1.5 बजे जो मैं क्या करती थी कि 1-1.5 बजे आप फिर से एक गिलास दूध ले लीजिए। ठीक है, आपको जो है इस समय लगभग 2 से 3 गिलास दूध जरूर लेना है। ठीक है, और आपको 3 गिलास से ज्यादा दूध नहीं पीना है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं क्या करती थी कि जो है दोपहर में लगभग 1-1.5 बजे एक गिलास दूध फिर से ले लेती थी। ठीक है, और मैं दोपहर में प्रोटीन एक्स पाउडर नहीं डालती थी, मैं सिर्फ 2 टाइम डालती थी, सुबह और शाम को। ठीक है, आप अगर चाहें तो दोपहर में भी डाल के ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं उस पीने के बाद में पेट भर जाता था, क्योंकि आपको पता है उस जैसे जैसे टाइम होता है तो हमको थोड़ा भूख भी कम लगती है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग लेना होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जैसे ही टाइम बढ़ता है तो हमारी भूख दिन पे दिन कम होती जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम मतलब खाना है लेकिन एकदम से इकट्ठा नहीं खाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना है, और मतलब ये नहीं कि आपने जो है एक बार में ही सारा खा लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, हर 2 से 3 घंटे बाद आपको जरूर खाना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि उस समय जो है हमको कोई भी चीज पचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और तो इसलिए अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो आराम से पच भी जाएगा और जो है आराम से हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस फायदे ही फायदे होंगे। ठीक है, तो फिर मैं क्या करती थी, दूध दोपहर में दूध लेने के बाद में, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में, फिर मैं लगभग दूध लेने के 1 से 1.5 घंटे बाद जो है मैं खाना लेती थी। ठीक है, खाना में मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या सबसे ज्यादा लेती थी, आपको भी वही करना है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपको इस समय रोटी ज्यादा नहीं खानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है खानी है लेकिन बहुत ज्यादा रोटी नहीं खानी है। ज्यादा रोटी खाने से क्या होगा कि आपका पेट एकदम से बहुत ज्यादा भर जाएगा। ठीक है, और प्लस आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और आप एकदम से रोटी रोटी खा ले, और आपको पता है रोटी जल्दी पचती नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा रोटी इस समय नहीं लेनी है। आप कोशिश करें कि खाने में सबसे ज्यादा दाल लें, और खाने में दाल है और हरी सब्जी है और प्लस जो है सलाद है, और आप 1 से 2 चम्मच घी जरूर ले। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको कोई भी चीज जो है लिमिट से ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, आपको मतलब जो भी खाना है उसका जो है एक बैलेंस बना के रखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ठीक है फ्रेंड्स, खाने के वक्त आपको क्या करना है कि एक बड़ी कटोरी भर के दाल रखनी है, और दाल में लगभग 2 चम्मच घी जरूर डालें। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, आपको एक बड़ी कटोरी हरी सब्जी लेनी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जैसा भी आप खाते हो, और आपको रोटी सिर्फ 1 या 2 ही रखनी है। ठीक है, रोटी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, और आप कोशिश करें कि 1 कटोरी भर के दही जरूर लें। ठीक है, दही भी बहुत फायदा करता है, और उसके बाद में आपको लगभग 1 प्लेट जो है सलाद लेना है। ठीक है, सलाद में आप खीरा है, चुकंदर है और टमाटर है, ये चीजें जरूर खाएं फ्रेंड्स। और हाँ, अगर सर्दी का मौसम है, गाजर वगैरह तो जरूर लें, क्योंकि इस समय ये चीजें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा ही फायदा करती हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें।
ठीक है। खाना खाने के बाद में आप जो है लगभग खाना खाने के बाद में हमको जो है जल्दी भूख नहीं लगती है उस टाइम पे, तो लगभग वही शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आप क्या करें, जब आपको भूख लगे ठीक है, तो आप जो है चाहे तो फिर से थोड़ा सा फ्रूट्स ले सकती हैं। फ्रूट्स में आप क्या करें, मॉर्निंग में आप जो है 2 सेब ले लें, और शाम को आप जो है जब आपको भूख लगी थोड़ी थोड़ी, तो मैं क्या करती थी कि उस समय आप 2 अनार जरूर ले लें, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमको ध्यान रखना है एकदम से इकट्ठा नहीं खाना है, बल्कि हमको थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है। तो आप 2 अनार जरूर खा लें, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस समय आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड। और शाम को जो है 2 अनार लेने के बाद में 8 से 8:30 बजे फिर से खाना वगैरह खा लेती थी, ठीक है। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है, आप जब दोपहर में खाना खाएं तब भी आप दाल और सब्जी ज्यादा लें, और जब आप शाम को खाना खाएं तब भी आप दाल और सब्जी जरूर लें, ठीक है। और फिर मैं क्या करती थी, बस वही शाम को खाना वगैरह खा लेने के बाद में जो है आपको जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है, और बाबू का वेट आराम से गेन हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, शाम को फिर खाना वगैरह खाने के लगभग 2 घंटे बाद आपको रात में गुनगुना दूध जरूर लेना है। मैं जरूर लेती थी, मैं आपको बता दूं क्यों लेती थी, क्योंकि गुनगुना दूध लेने से क्या होता है कि हमको जो है नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। आपको पता है कि उस समय नींद नहीं आती है, तो आप कोशिश करें कि सोते समय 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर लें। और एक चीज और ध्यान रखें कि जब आप खाना खाएं सोने से पहले लगभग 2 से 2.5 घंटे पहले खाना खा लें, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि अगर आप एकदम से खाना खा के लेटने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा उलझन होगी, क्योंकि पेट एकदम से भरा होगा, और आप एकदम से लेट जाएंगे तो आप समझ सकते हैं आपको दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, और आपको बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके बेबी का वेट आराम से गेन हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे अगर आपको सलाद खाने के साथ नहीं खाना पसंद है, तो आप जरूरी नहीं है सलाद खाने के साथ ही लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खाने से पहले आप जो है खाने से लगभग 1.5 घंटा पहले आपका जो है थोड़ा सा खीरा, मतलब एक से खीरा काट लें, चुकंदर वगैरह आप पहले भी खा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, नींबू का यूज जरूर करें, सलाद में नींबू जरूर डालें, उस समय नींबू बहुत फायदा करता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप जो है फल में अपना जो है कीवी फल भी जरूर खाएं, ठीक है। कीवी फल भी बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो सारे ही फल खाती थी, जो भी मुझे पसंद आता था, मतलब ऐसा कर लेती थी कि कभी केले खा रही हूँ सुबह, तो कभी सेब खा रही हूँ, लेकिन ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी, आप सेब जरूर खाएं, सेब बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ एकदम से इकट्ठा खा लें, आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा जरूर खाएं, ठीक है। और आपको जो है जो आयरन और कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है, ठीक है, आपको वो प्रॉपर लेनी है। मैं भी बिल्कुल प्रॉपर लेती थी, ठीक है। और आपको टेबलेट खाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा आयरन और कैल्शियम की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं। तो आप अगर प्रॉपर मात्रा में आयरन और कैल्शियम लेती रहेंगी तो हमारी बॉडी में भी आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जो है आयरन और कैल्शियम मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारी जो है एक प्रेगनेंसी में कम से कम 5 साल तक का कैल्शियम चला जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है, तो आप खुद अंदाज लगा सकती हैं। और एक चीज और बताऊं कि आपको पानी का प्रॉपर ध्यान रखना है। मैं जो है पानी का स्पेशली ध्यान रखती थी, ठीक है। आपको सर्दी हो, या आपकी प्रेगनेंसी सर्दी की हो, या फिर आपकी प्रेगनेंसी गर्मी की हो, ठीक है, आपको कम से कम पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना है। मैं स्पेशली पानी पीती थी, तो आपको भी पीना है। और पानी एकदम से इकट्ठा नहीं पीना है, अगर आप इकट्ठा पानी पियेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम, पेट जो है भरा भरा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट इतना ज्यादा बढ़ रहा होता है, और हम एकदम से इकट्ठा खाएंगे तो फिर, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको दिक्कत हो। तो आपको पानी पीना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीना है, ठीक है, और पानी बैठ के पिए, पानी खड़े होके बिल्कुल भी नहीं पीना है फ्रेंड्स। और अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखती हैं तो आपको भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके बेबी का वेट कैसे गेन होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं आराम, ठीक है, कि आप अगर इतना करती हैं तो आप और आप
एक चीज और बता दूं आपको कि आपको मतलब बिल्कुल भी ये नहीं रहना है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे ये नहीं लगता। आपको एक चीज और बता दूं, ये समस्या हर लेडीज के साथ होती है, ठीक है, कि लास्ट टाइम पे भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा रहता है, लेकिन अब आपको अपने नखरे देखने हैं या फिर आपको अपना एक हेल्दी और अच्छा बेबी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आप ये अपने लिए नहीं कर रही है बल्कि अपने बच्चे के लिए कर रही है, ठीक है। अगर आप इतना करती है तो आपको एक हेल्दी और अच्छा बच्चा मिलेगा, और आप समझ सकते हैं कि मैंने इन सब चीजों का ध्यान रखा है, तब जाके मेरे ट्वींस थे और दोनों ही अच्छे और हेल्दी मुझे मिले थे, ठीक है। और उनको किसी भी चीज के मतलब डॉक्टर की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इसलिए अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आपको भी डॉक्टर से काफी हद तक दूर रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो और एक चीज और बता दूं कि आप मां बनने वाली हैं, तो आप ऑलरेडी आपको जो है अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी, आपको खुद सब कुछ लेना होगा, खुद खाना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको कोई देगा तभी हम खाएंगे, ठीक है, नहीं, आपको खुद अपने हाथों से लेना और अपना टाइम टू टाइम अपना खुद ख्याल रखना है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो बाद में आपका बच्चा भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगी। वरना होता क्या है कि बच्चा जितना ज्यादा कमजोर पैदा होता है उतना ही ज्यादा वो डॉक्टर के अंडर में रहता है। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मक्कारी नहीं देनी है, आपको बिल्कुल भी मतलब बहाने नहीं बनाने कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगती, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए, ठीक है फ्रेंड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।